हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो भाई आइसक्रीम खाना तो बनता ही है ना, और बाहर कौन जाए बार बार, इससे अच्छा आप लोग घर पे ही बना के रख लो। चलिए हम बताते हैं इसके लिए मैंने क्या किया है। आप देख सकते हो कि मैंने दूध लिया हुआ था, वो पूरा का पूरा भगोना फुल था दूध का। फिर उसको हम लोग थोड़ा सा खौला लिए थे। जैसे ही ये खौल गया था मेरा दूध, मतलब कि हमने जो दूध लिया था हमारा दूध खौल गया था, वैसे ही हमने डाल दिया था उसमें चीनी। चीनी और दूध को हम लोग थोड़ा सा खौलने देंगे। ये आप देख सकते हो मैंने वनीला पाउडर, कस्टर्ड पाउडर लिया हुआ है। आज हम लोग कस्टर्ड पाउडर से आइसक्रीम बनाएंगे, जो कि बहुत ही ईजी रेसिपी है। और ये जो दूध था ये मैंने ठंडा ही लिया हुआ है, ठंडा दूध मैंने अलग से निकाल लिया था। आप लोग गर्म दूध में उसको मत फेंटिएगा, और डायरेक्ट कस्टर्ड पाउडर को गर्म गर्म दूध में मत डालिएगा, नहीं तो वो बन जाएगा हलवा। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि आप लोग ठंडे दूध में ही आप लोग उसको मिलाना है। ये 4 से 5 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर डाला हुआ था। 1 लीटर दूध हम लोग बना रहे हैं 1 लीटर दूध में। और ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसको मिला लिया है, ये पूरी तरीके से मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको हम लोग डालेंगे दूध में, जो हमारा दूध खौल रहा है। और दूध मतलब दूध और चीनी को जब तक कि हम लोग उसको बनाए थे तब तक हमारा ये दूध और चीनी खौल रहा था। 1 लीटर दूध में मैंने डाला था आधा से या 250 ग्राम रुपये चीनी डाल कर सकते हो। मैंने बहुत ज़्यादा चीनी यूज़ नहीं किया हुआ है। 1 लीटर दूध में मैंने 250 ग्राम चीनी यूज़ किया था, और 4 से 5 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर भी हल्का सा स्वीटनेस रहता है, मीठापन रहता है उसमें, इसलिए मैंने चीनी का यूज़ ज़्यादा नहीं किया। अगर आप लोग ज़्यादा चीनी यूज़ करते हो तो 1 लीटर दूध में आधा किलो आप लोग डाल सकते हो चीनी। ये देख सकते हो आप खोलते खोलते इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो रही है। इसको आप लोग को एकदम गाढ़ा कर लेना है, जैसे कि होता है एक तरीके से खीर जैसे आप लोग बनाते होगे, तो खीर को जैसे आप लोग गाढ़ा बनाते हो वैसे ही आप लोग को इसको भी गाढ़ा बनाना है। गाढ़ा बनाओगे तभी ये आप लोग की आइसक्रीम अच्छे से जमेगी। ये मैंने छोटी इलायची पीस के रखा हुआ था, इसको मैंने 2 से 3 कूट के मतलब डाल दिया है थोड़ा सा टेस्ट के लिए। उसको इस तरीके से हम लोग मिला लेंगे और फिर ठंडा होने देंगे। जब तक कि वो ठंडा हो रहा है तब तक मैं आप लोगों को डिब्बा बता देती हूँ कि मैंने कौन सा यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने घर का ही मिठाई का डिब्बा लिया हुआ था, इसमें मैं यहाँ रसगुल्ले आए हुए थे जिसको मैंने वॉश करके मैंने इसको यूज़ में ले रही हूँ। आप लोग ऐसे ही कोई एयर टाइट कंटेनर ही लीजिएगा, और प्लास्टिक का ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब स्टील में थोड़ा सा बर्फ बनने में टाइम लगता है जमने में, इसलिए आप लोग प्लास्टिक का यूज़ कीजिएगा। ये हमारा जो कस्टर्ड था जो हमने भी बनाया वो पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको इस डिब्बे में भर दूँगी, और डिब्बे में भरने के बाद हम लोग इसको 10 घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में रख देंगे। बहुत ज़्यादा मतलब नहीं जमाना है। अगर आप लोग के यहाँ वोल्टेज तेज़ आता होगा, मतलब जैसे बर्फ जल्दी जम जाता है, तो 2 से 3 ही घंटे रखिएगा। बट मेरे यहाँ थोड़ा सा वोल्टेज डाउन है इस टाइम, गर्मी का टाइम है, बहुत जगह एसी कूलर वगैरह वगैरह चलते हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर लाइट का, इसलिए मैं इसको 10 घंटे के लिए रखी थी फ्रिज में। 10 घंटे के बाद मतलब इसको ये बहुत ज़्यादा मतलब एकदम कड़ी आइसक्रीम नहीं जमी थी, हल्की सॉफ्टनेस ही रहेगी, वैसे ही आप लोगों को आइसक्रीम जमानी है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या करना है। आफ्टर 10 आवर्स बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हो जैसे कि मैंने इसको खोला है, ये बहुत ज़्यादा नहीं जमा हुआ, आप देख सकते हो उंगली भी मेरी दब रही है, और ये देख सकते हैं आप इस तरीके से निकल भी गया। तो अब मैं क्या करूँगी, उसको इस तरीके से मिला लूँगी। मिलाने के बाद आप लोग इसको मिक्सी में थोड़ा सा एक पीस लीजिएगा। ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप लोग सॉफ्टनेस मतलब चाहते हो अपने आइसक्रीम में। अगर आप लोग सॉफ्टनेस नहीं चाहते हो तो उतनी परफेक्ट मतलब बनेगी नहीं, इसलिए एक बार ठंडा करने के बाद, बर्फ़ जमाने के बाद आप लोग उसको मिक्सी में ज़रूर पीस लीजिएगा। ये देखिए मैंने तरीके से पीस लिया है, और अब मैं क्या करूँगी, इसको फिर एयर टाइट कर, मतलब जिसमें हमने जमाया था उसी में हम लोग फिर से जमाएँगे, लेकिन इस बार हम लोग जमाएँगे ड्राई फ्रूट्स के साथ, क्योंकि अब ये हमारा फाइनल टचअप चल रहा है। कि देखिए मैं किशमिश और काजू एंड बादाम को कूट के ले ली हूँ, इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ, और एक एक लेयर में डालती जाऊँगी और उसके ऊपर काजू किशमिश डालती जाऊँगी। इससे क्या होगा कि हमारे जो आइसक्रीम का टेस्ट जो है वो ड्राई फ्रूट्स के साथ बहुत ही टेस्टी और यमी लगेगा। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक पॉलिथीन ले लेंगे, और उसको पॉलिथीन को लगा करके हम लोग डिब्बे को बंद करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे जैसे कि बर्फ़ में हम लोग जब जमाते हैं तो एक्स्ट्रा पानी जो गिरता है, बर्फ़ जो गिरता है वो सब इसमें नहीं जम पाएगा, नहीं तो फिर हमारा जो आइसक्रीम ना थोड़ा सा ऊपर बर्फ़ की लेयर जम जाती है, इसलिए आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ये देखिए मैंने 2 डिब्बे बनाए हुए थे, इसे मैं दूसरे का भी इसी तरीके से कर लूँगी जैसे मैंने पहले किया था पीसने के बाद, और ड्राई फ्रूट्स का हम लोग लेयर देते जाएंगे। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा जो मैं आप लोग को 2 स्टेज बता रही हूँ। 2 स्टेज आप लोग को बहुत ज़रूरी है फॉलो करना। पहला तो ये कि इसको एक बार ठंडा करने के बाद आप लोग को इसको मिक्सी में पीसना है, और दूसरा ये कि आप लोग जब इसको फाइनल जब आप लोग इसको फ्रीजर में डालिएगा तो फिर पन्नी ज़रूर लगाइएगा, या फिर आप लोग ये
बटर पेपर भी लगा सकते हो, इससे क्या होगा कि आप लोग की आइसक्रीम मतलब वो होगा नहीं। और ये पीसने के बाद ना थोड़ी सी ये कंसिस्टेंसी इसकी ज़्यादा हो जाती है, देखते हैं आप कि मैं पिछले बार दो ही डिब्बे में करी थी लेकिन इस बार कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी तो मैंने दो कटोरी भी यूज़ कर लिया है। तो इस तरीके से मैं आप लोग का डिब्बे कटोरी दोनों में मतलब जमा करके आप लोग को दिखाती हूँ। और ये हमारा फाइनल हो चुका है, अब मैं इसको फ्रीजर में डाल दूंगी और फ्रीजर में कम से कम 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये अब ये एकदम ठंडा नहीं हो जाता। पहले तो मैंने सिर्फ आधा ही ठंडा करना था, पर अब जब तक एकदम ये बर्फ़ नहीं जम जाता तब तक आप लोग को इसको ठंडा करना है। और ये मैं आपको 12 घंटे बाद आप लोग को दिखाती हूँ। ये देख बिल्कुल परफेक्ट जमा हुआ है, बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगा भी था, जिस जो मैंने खाया भी था इसको। अब मैं इसको सर्विंग बाउल में सर्व भी कर लेती हूँ। ये देख सकते हो आप, मेरे यहाँ था नहीं निकालने वाला, तो जो कलछुल होती है उसी से मैं निकाली थी। वो भी परफेक्ट लेयर होता है एक आइसक्रीम को निकालने के लिए। अगर आप लोग के पास घर की चीज़ें हैं, मार्केट जैसी फीलिंग चाहते हो, तो आप लोग ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दोगे ना तो बहुत ही मतलब टेस्टी और आप लोग को एकदम मार्केट जैसी ही फील भी होगी। कि आप देख सकते हो हमारा परफेक्ट आइसक्रीम और ये ड्राई फ्रूट्स के साथ कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा था, मुझे तो बहुत ही पसंद है, घर वालों को भी बहुत पसंद है। आप लोग इसको जरूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी हमारा कस्टर्ड आइसक्रीम बनके तैयार है, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है। बस जाइए फटाफट कस्टर्ड पाउडर लेके आइए और दूध और चीनी तो घर में होगा ही, बस तुरंत बनाना शुरू कीजिए और घर वालों को खिलाइए और तारीफें बटोरिए। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।